ब्रेकिंग, थाना सहादतगंज क्षेत्र की दुकान में लगी भीषण आग। गारीज और दोजी के ऑफिस में लगी आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक। क्षेत्रवासियों ने दी थी संबंधित पुलिस चौकी को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रवासियों ने मिलकर आग बुझाने का किया प्रयास। खबर चलने तक क्षेत्रवासियों ने आग पर पा लिया था काबू। बिना फायर ब्रिगेड को सूचना दिए ही क्षेत्रवासियों द्वारा आग बुझाई गई। दुकानदार जमाल के मुताबिक आग से लगभग 60 लाख रुपए का हुआ नुकसान। थाना सहादतगंज की अंबरगंज पुलिस चौकी अंतर्गत उजीर बाग क्षेत्र का मामला। वकार हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जमाल अहमद। क्या हुआ है अभी, जो आग लगी है कैसे लगी, क्या हुआ? ये दुकान से जो है हम उठ के गए घर के लिए, 15-20 मिनट बाद जब वापस आए देखा तो आग लग चुकी थी दुकान में। पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट से ही लगी, क्योंकि अंदर का बोर्ड पूरा जला हुआ है, माल पूरा भरा हुआ था और जो है वही आग लगी है। जहाँ पे दर्दोजी का माल है हमारा काम, पूरा रेडी माल करते हैं हम काम, वही सब माल बना के लगाया था। लगभग कितने का नुकसान हुआ? कम से कम होगा माल मेरे हिसाब से तो 60 से 65 लाख रुपए का इस समय माल था मेरी दुकान में। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कितने दुश्मनी? नहीं दुश्मनी, क्योंकि दुकान बंद थी इसलिए दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, शॉर्ट सर्किट से ही लगी हमारे हिसाब जो कह रहा है, क्यों बंद दुकान में तो कोई लगा ही नहीं सकता। तो हम चौकी जा रहे हैं, चौकी में जो है तहरीर देंगे। आग कैसे बुझाई गई? आग जो है समरसेबल के पानी से, पाइपों से। तो नहीं, फायर ब्रिगेड को नहीं, मोहल्ले के लड़कों ने ही बुझाई।